अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज असर का टाइम हो रहा है तकरीबन, और मौसम इतना ही कमाल का हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ बादल चेक करें, सामने बड़े लेवल का स्मैक्सी मौसम बना हुआ है, और हवा ठंडी नहीं चल रही है और ना गर्मी। गर्मियों के मौसम में ऐसा मौसम हो तो कमाल का ही मौसम हो जाता है। वाह वाह क्या बात कर दी मैंने। तो फिलहाल अब मैं सोल के घर के बाहर आया हूँ, सोल का वेट कर रहा हूँ, अब वो आता है बाहर। तो फिर अकमल भी आ रहा है, हम तो फिर कुछ प्लान करते हैं, पत्तों वगैरह चलते हैं, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं, बस इनका वेट कर रहा हूँ फिलहाल। व्लॉग बना रहा है, यकीन व्लॉग बना रहा है, नमाज पढ़ यकीन का व्लॉग। अच्छा ये इसी लिस्ट मिल चुकी है जो सामान वगैरह लेके आना। सो एक दफा लिस्ट पढ़ के तो सुना यार, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ के सुनाता, इधर ला, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ना। नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम, नमाज पढ़ रहे हैं पहले। तो फिलहाल अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैं आगे यार इनको मौसम के बारे में बता रहा था, आज कितना प्यारा मौसम है यार, गर्मी है, सूर्य नहीं नजर आ रहा है कितना। मैं नहीं मौसम की तारीफा की, तू कहना गर्मी, मुझे पसीना आवे कितना छुटिया होया था गर्मी। तो आज गाइस हमने जिंदगी में पहला एक अच्छा काम किया, और आपको भी साथ में दिखाते हूँ क्या काम किया। जमात खड़ी है, जमात बाहर ही हो रही है अभी, नहीं मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, बंदे सामने ही है ना। ये आपको बैनर नजर आ रहा है, इमदाद ब्राय सलाब जदगान। ये बैनर मैंने और सोग ने बैनर लगाया, हम दोनों ने मिलकर ये बैनर लगाया। ये बैनर लग नहीं रहा था, जो कील थे वो कभी टेढ़े हो रहे थे, कभी नीचे गिर रहे थे, और ये बड़ी मुश्किल से हमने ये वाला बैनर सेट किया। और ये नंबर नोट करें यार, प्लीज़ जो सैलाब जहाँ पे आया हुआ है तो उन लोगों की मदद करें यार, वो आप प्लीज़ इनकी हेल्प कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। थल्ले चल रहा है, थल्ले जरा पेट्रोल ऑन होता है, चल रहा है, रिजर्व नहीं चल रही। अच्छा ये कह रहा है कि मेरी जो बाइक है आधा लीटर इसके अंदर पेट्रोल हो तो ये बाइक नहीं चलती, ये बाइक ज्यादा पेट्रोल खाती है यार। ये नहीं, नहीं है, रिजर्व पे नहीं चलती, ये पेट्रोल ऑन पे चलती है। अच्छा अच्छा, मतलब तेरी जो पेट्रोल ऑन होता है वो एक लीटर पे होता है। हाँ, तकरीबन पौना लीटर, एक लीटर, आधे लीटर पे ये बाइक नहीं चलती यार। ये तो फिर बड़ा जलील करवाएगी, किसी मोड़ से पैसे ना हो, ज्यादा लीटर पेट्रोल भी हो बाइक ना चले। ये सही करवाते हैं ना इसका, बाइक शाइक निकाल लिया। तो अब हम वैसे जहाँ कहाँ पे रहे हैं वैसे, हम ये बताते हैं। चले आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन बहुत मजा आने वाला आगे। मैं कहता हूँ जो आगे होने वाला है ना, अखीर होने वाला है यार। बाकी सारी बातें छोड़ो, हमारे गांव की खूबसूरती चेक करो यार, लेवल है यार, लेवल है यार। जब आप रस्ते पे बाइक चला रहे हो और रस्ते में इतनी ज्यादा भैंसे आ जाए, और बाइक आपकी कभी उस भैंस के दरमियान से जा रही है, कभी उस भैंस के दरमियान से जा रही है, तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, डर भी लगता है। हाँ, जैसा कि आप लोगों को बताया कि आधा लीटर इसकी बाइक के अंदर पेट्रोल हो फिर बाइक चलती नहीं है। भाई जी भी ऐसे कह रहे हैं, तो फिर कितने का डलवा रहे हैं पेट्रोल? ऐसे 200। तो 200 का डलवा रहे हैं कि बाइक थोड़े से, मतलब कि आधा लीटर के अंदर बंद ना हो ये बाइक। ये पेट्रोल के बारे में, ये दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ट्रैफिक घट होगी, एक्सीडेंट घट होंगे, महंगा होना चाहिए। अच्छा महंगा होना चाहिए, जिन्ना जितना आधा लीटर चलती नहीं बाइक होगी, कड़े पैदल चल। जब आपके पास पैसा हो और आपका जो दिल चाह रहा हो आप वो कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं हम इन पैसों से क्या करते हैं, आइए हमारे साथ। तो जी गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं मच मोड़ी में, MORE मोड़। हाँ, मच मोड़ में आ चुके हैं। तो जी गाइस, मेरे साथ वो सोच भी है, तो फिर अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं क्या था ना, जब पैसा हो बंदे के पास तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम भी बताते हैं हम पैसों से क्या कर सकते हैं। हम घी खरीद सकते हैं, चीनी खरीद सकते हैं, हम प्याज खरीद सकते हैं, लहसुन खरीद सकते हैं। ये बंदा ऐसे लेके आता है जैसे पता नहीं कितना कुछ सामान खरीद रहा हो, लेकिन एंड पे वो क्या, वो एक जूस रख देते हैं, एक बोतल और एक कोई एक चीज़ ऐसे पकड़ ली, तीन चार चीज़ें मिला के ले जाते हैं। अभी 5 किलो चावल, 1 रूह अफ़ज़ा की बोतल, और 5 किलो चीनी, और चने की दाल, चने का पैकेट, 1 पैकेट मसर, 1 पैकेट नमक, काली मिर्च का पैकेट, माचिस का 1 पैकेट, और ये ऑयल के पैकेट, और एक ये सऊद के लिए बड़ा पैकेट पैंपड़ों का, सऊद तेरे लिए पैंपर, हेड एंड शोल्डर तरफ एक्सल। तो गाइस ये फुल सारी शॉपिंग वगैरह कर लिया, जो भी करनी थी यार। उन मर्दों की हिम्मत है जो लोग ये सामान लेके जाते हैं। हम तो आज पहले दिन आए थे, फट गई यार, यकीन मानो फट गई। पता नहीं कौन कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा होता है और कैसे कैसे लेना होता है, और जो मर्द हजरात लेने आते हैं उन्हें सलूट है यार, सलूट है उन्हें, यकीन। तो सोचा यार कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो हमने कर ली है, कभी की नहीं वैसे, पहली दफ़ा इतनी शॉपिंग की है, तो कॉफ़ी का हक तो बनता है, इतना तो हक बनता है। ये इसकी फटी हुई थी फुली यार। जब आप कोई चीज़ खा पी लेते हैं तो इसे अवार्ड ऐसे सड़कों में ना फेंक दिया करें, ऐसे यार अच्छा खासा माहौल होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। डस्टबिन इसीलिए होती हैं, खुली नहीं रही यार, चल ऐसे खोल लेते हैं यार, इसलिए होते हैं यार डस्टबिन में फेंका करें, शुक्रिया। तो जी गाइज, ये मच मोड़ से की हुई शॉपिंग के साथ करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड।
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।